हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने मैं हूँ। ये हम लोग गए थे शिल्पारामम हैदराबाद, जो माधापुर में लोकेटेड है, उस पर हम लोग संडे घूमने गए थे। तो ये हम लोग टिकट काउंटर में टिकट लेने गए। टिकट जो है 60 रुपीज़ ईच पर्सन का है और बच्चों का अबव 3 ईयर्स भी टिकट लग रहा था। ये यहाँ पर टिकट काउंटर के सामने ही एक बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन लगा हुआ था, वाटर फाउंटेन, बहुत ही खूबसूरत सा है। शिल्पारामम बहुत खूबसूरत है। ये हमने अगर ने एंट्री किया, यहाँ पे बेल लगी हुई थी। एंट्री के बाद हम लोग सीधा सामने ही एक बड़ा सा ग्राउंड आपको दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, खूबसूरत से प्लांट्स, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बच्चों के लिए, फैमिली आउटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ के पौधे लगे हुए थे। ये देख सकते हैं इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स का नाम है काला लिली और बहुत सारे वैरायटीज़ के फ्लावर्स लगे हुए थे। कॉस्मोस थे, रोज़ेस थे, एक्सोरिया थे, तो मतलब नाम बोल के ख़त्म नहीं कर सकते इतने सारे। और इतना खूबसूरत लग रहा था देख के कि बहुत मज़ा आ गया। हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। जो भी हैदराबाद में रहते हैं उन लोगों को मैं 100% रिकमेंड करूँगी कि शिल्पारामम ज़रूर जाएँ और अच्छे से टाइम लेके जाए। वीकेंड में बहुत क्राउडेड रहता है, बहुत क्राउडेड था बट नीट एंड क्लीन और बहुत खूबसूरत था। देखते रहिए आगे वीडियोस में कि हम लोगों ने कैसे एक्सप्लोर किया। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा सा एक बगनविला का प्लांट था। ये हम लोग आगे चले गए तो वहाँ पे ये मटके से इतना खूबसूरती से उसको सजाया हुआ था। और राइट साइड में जो है यहाँ पे ऑडिटोरियम भी था जहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, पर हम लोगों ने वो अटेंड नहीं किया। उससे आगे गए तो ये सिरामिक के पूरे शॉप्स लगे हुए थे जहाँ पे सिरामिक के सामान थे, बहुत खूबसूरत होम डेकोर के सामान थे। ये जो सामान, ये प्राइस स्टार्टिंग 50 रुपीज़ से ही था और बहुत खूबसूरत थे। आगे मिट्टी के भी सामान बिक रहे थे और पॉट उन्होंने 300 रुपीज़ कोट किया था और बहुत अच्छे क्वालिटी के थे, बाहर से भी सस्ता ही लग रहा था। फिर होम फर्निशिंग के, फिर ये बास्केट्स आप देख सकते हैं, ये बैम्बू के बने हुए सामान, बहुत प्यारे प्यारे सामान थे वहाँ पे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिसको आप क्या देखे क्या छोड़े ऐसा। फिर वहाँ पे बोटिंग के लिए भी था, हम लोग नहीं गए बोटिंग के लिए क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे साथ में, पर बहुत अच्छा था। फिर सामने यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा ये वाटरफॉल था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। लोग बहुत फोटोज़ खींच रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। फिर यहाँ पर बोटिंग का था, ये राइट साइड में बहुत बड़ा एरिया है और लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। ये पॉन्ड था, इसमें पूरे वाटर लिलीज लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। फिर आगे गए तो यहाँ पे भी वाटर फाउंटेन और ये वाटर लेक था एकदम। यहाँ पे हमने कुछ फोटोज़ लिए। अचानक से हम लोग को सामने से ये दिखा, ये बुल कार्ट, देख सकते हैं कितना प्यारा है ये। इसका भी चढ़ने का था पर हम लोग को पता नहीं था कि कहाँ पे जाके इसका पे करना रहता है, तो हम लोग नहीं गए। फिर ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे किड्स प्ले एरिया था, बहुत ही बड़ा था और उसमें बहुत सारे राइड्स थे बच्चों के लिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एंट्री ले लिए, उसके बाद सब कुछ यहाँ पे ये फ्री है बच्चों के लिए, पूरा ये फ्री था, बच्चे बहुत इन्जॉय किए। और आगे फिर राइट साइड में जाने से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा एक और फाउंटेन था और ये एंट्री देख सकते हैं, ऐसे बड़ा बांसुरी लगा के है, बड़े बड़े हैंड्स बने हुए हैं। आउटिंग के लिए और घूमने के लिए बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा भी है, पूरा दिन इसमें घूम सकते हैं। फिर हम लोग किड्स प्ले एरिया में चले गए जहाँ पे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, इतने सारे राइड्स थे, बच्चे बहुत खुश हो गए, ख़त्म ही नहीं होते, बच्चे तो छोड़ के आना ही नहीं चाह रहे थे। वहीं पे ये छोटा सा एक वो बना हुआ है, क्या बोल, एरिया है जिसको, इसमें बर्ड्स हैं काफ़ी सारे, ये बर्ड्स हैं, फिश वॉन्स हैं,
और छोटे छोटे बर्ड्स भी हैं। लोग इन लोगों को फीड कर रहे थे और अच्छे दिख रहे थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये छोटे छोटे कितने क्यूट है ना ये बर्ड। इनका नेस्ट भी इतना प्यारा लगा दिखे। फिर थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे ये हेलोसिनिया के बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। उससे हम लोग आके गए, यहाँ पे रैबिट्स थे बहुत सारे और रैबिट्स बहुत ही फ्रेंडली थे। लोग इन लोग को फीड कर रहे थे और ये लोग इतने प्यारे थे, ये लोग अच्छे से बिहेव, मतलब बहुत ही फ्रेंडली रैबिट्स थे। कितनी क्यूट है ना ये सब। वो वहां से हम लोग फिर आके गए तो वहां पे हम लोग को एक और बड़ा सा वाटरफॉल मिला, वो भी बहुत खूबसूरत था और बहुत मजा किया हम लोगों ने वहां पे, फोटोज लिए। लोग बहुत लोग फोटोज ले रहे थे और पूरा फुल था, वो क्राउडेड था, बहुत फोटोज लिए और बहुत मजा आया वहां पे घूमने में। वहाँ से हम लोग थोड़ा सामने गए तो वहाँ पे म्यूजियम था, पपेट म्यूजियम। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, यहाँ पे सारे ये देवी देवताओं के ये सब पपेट के तरह बना हुआ है। जो आंध्रा तेलंगाना में पपेट शो होते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन आई गेस। ये भी बहुत खूबसूरत था। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप लोग के कमेंट से अच्छा लगता है, जब भी कमेंट पढ़ती हूँ तो। और ये हम लोग वहाँ म्यूज़ियम से निकले तो ये पूरे होम डेकोर के सामान रखे हुए थे, लाइटिंग्स थे, मिरर्स थे, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर ये वुडन थिंग्स, ये पूरा लेन जो है उसी से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट सारे शॉप में सिमिलियर ही प्रोडक्ट थे, एक ही जैसे प्रोडक्ट्स और सेम प्राइसिंग, ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग है। ज़्यादा बार्गेन तो कोई भी नहीं कर रहा था, उन लोगों का ऑलमोस्ट फिक्स प्राइस है तो बार्गेन करने का मतलब भी नहीं बनता। ये ट्रे देखिए कितना खूबसूरत है, ये सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक चीज़ आपको मिल जाएगी और एक ही जगह पर शॉपिंग भी और घूमना भी हो जाता है। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप शिल्पारम नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर घूम के आइए। ये ज्वेलरी देख सकते हैं, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत प्यारा था, बहुत ही अच्छा भी था और प्राइस रेंज भी नॉर्मल अच्छा खासा अच्छा था। ये इयर रिंग्स जो है 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस थे, ये जो मैं देख रहे हैं स्क्रीन पर, और 50 से लेके 150, 200, 300 तक था। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका, मैंने जो ज़्यादा शॉपिंग तो किया नहीं, हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है, उसका छोटा सा हॉल वीडियो में शेयर करूँगी। तो ज़रूर मेरी चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर वॉच करें। तो ये बच्चों के खिलौने देख सकते हैं, वुडन खिलौने। ये थोड़ी प्राइस ठीक ही था प्राइस, बट मतलब एफर्ट उतना सस्ता नहीं था, अच्छा था, नॉर्मल रेंज में अच्छे खासे टॉयस थे और बहुत ही खूबसूरत थे। आजकल ये सब चीज़ें ज़्यादा दिखती नहीं है, प्लास्टिक की चीज़ें ही ज़्यादा दिखता है। ये हम लोगों ने देखा तो ये था एक बंगाली साड़ी का शॉप पीछे जो देखा आपने, फिर ये सारे बैग्स और ये ज्वेलरी, फिर होम फर्निशिंग के सामान, ये बैंगल, ये ब्रेसलेट्स देख सकते हैं कितने प्यारे हैं। ये 150 ऐसा स्टार्टिंग, ये पायल थे जो ये वो 2 का 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ कोट कर रहे थे। फिर ये बैग्स होम डेकोर के लिए, ये छोटे छोटे बने हुए हैं बर्ड्स, फिर ये सब
ये पर्ल का शॉप था, यहाँ से मैंने दो इयररिंग भी ख़रीदा है। फिर ये शॉप का नंबर 197, यहाँ से हमने काफ़ी सारे शॉपिंग किए, मतलब अच्छा खासा 4-5 चीज़ें खरीदा है। फिर वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी तो हम लोग कुछ देर रुके और मैंने ज़्यादा शॉपिंग किया नहीं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे शॉप्स का बस थोड़ा सा वीडियो ले लिया मैंने, और फिर हम लोग फूड कोर्ट में चले गए थे। ये देख सकते हैं जरी के पूरे सामान, ये अंकल के पास बहुत ही खूबसूरत से डोरमेट्स हैं, बहुत अच्छे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। फिर ड्रेसेस भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, मतलब बाहर यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी की ड्रेसेस नहीं दिखती है। ये फिर से वुडन का सामान देखिए, मेरी बेटी तो सारे टॉयज लेने के मूड में थी। हैंडक्राफ्ट की चीज़ें बहुत अच्छी है, जो हम लोग को नॉर्मली शॉप्स में ऐसे नहीं दिखता है, तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा एक्सपीरियंस था। ये टॉप्स देख सकते हैं, ये 10 रुपीज से स्टार्टिंग था अंकल के पास, तो मैंने कुछ लिया था गिफ्टिंग के लिए, अपने यूज़ के लिए भी। ये ड्रेसेस बहुत प्यारे लग रहे थे, 700-750 ऐसे कोट किए कर रहे थे लोग ये दो। फिर हम लोगों ने पाव भाजी खाया, हमने चाट खाया, और फिर हम लोग निकल दिए, हो गया शिल्परम, हमको बाय कर दिए। निकले तो हम लोग को सामने ये भैया मिल गए जो ये विंडचिम्स और वो सेल कर रहे थे। आज के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टेक केयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।